नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है दिवाली और धनतेरस के दिन किस प्रकार नमक आपके जीवन में जो है धन का आगमन शुरू कर सकता है। दोस्तों, दीपावली के 5 पर्वों में से धनतेरस जो है सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। धनतेरस के दिन ही घर में दीपमाला की सजावट शुरू हो जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर कुछ आसान से उपाय किए जाएं, तो माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है। सबसे पहले आपसे यही कहूंगी कि धनतेरस के दिन हमें किसी की आलोचना, झगड़े और वाद विवाद को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में सुख शांति का वातावरण हो तो आपके जीवन में बहुत ही धन लाभ होता है। हमें धनतेरस वाले दिन एक नया नमक का पैकेट जरूर खरीदना चाहिए। उसी दिन जाकर खरीदें तथा उसी का प्रयोग जो है हमें पूरे 5 दिन जो 5 पर्व होते हैं दीपावली के, धनतेरस के और इन दिनों जो भोजन बनता है इसी नमक से हमें बनाना चाहिए। आप इसी पैकेट में से सबसे पहले थोड़ा सा नमक एक कटोरी में निकाल लें। कटोरी जो होगी कांच की भी आप ले सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक की कटोरी ना हो। कटोरी कांच की, स्टील की, पीतल की चलेगी। थोड़ा सा नमक जो है घर के उत्तर पूर्वी कोने यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वहां पर आपको रख देना है तथा आप ये दीपावली तक वहीं पर रखा रहने दें नमक। और उसके बाद में अगर आप ये कार्य कर सकते हैं तो हर शुक्रवार को भी आप थोड़ा सा नमक जरूर अपने घर में रखें इसी दिशा में। और पुराना नमक आप जो पहले अपने घर में आपने रखा हुआ था आपके घर के वॉश बेसिन में या सिंक में गिरा दें। कहा जाता है कि इस दिशा में नमक रखने से घर में सफलता के मार्ग खुलते हैं, शुभता आती है और जितना भी धन आपका कहीं रुका हुआ है, कर्जे की स्थिति आई है, कंगाली की स्थिति आ रही है, दरिद्रता आ रही है आपके घर में और घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाएगी। और खासकर दिवाली के इन शुभ दिनों में आप ऐसा करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा बहुत से लोग इस दिन चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, तो अगर आप भी इस बार चांदी का कुछ सामान लेना चाहें तो आप बता दें। हमारे प्राचीन समय के अनुसार धनतेरस वाले दिन जो हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे वो भी बताते हैं कि धनतेरस के दिन हमें अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा जरूर बनवाना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कड़ा है तो आप उसे इस धनतेरस पर लक्ष्मी जी के सामने रखें और उसकी पूजा करें। अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि धनतेरस के दिन अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा बनवाएं। इस कड़े को दिवाली के दिन तक माता लक्ष्मी के पूजन में और उनके चरणों में रखा रहने दें तथा वहीं पर पूजा करें, तिलक लगाएं। उसके बाद अगले दिन यानी दिवाली जब हमारी समाप्त हो जाती है उसके दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर माता लक्ष्मी के आपको मंत्र आते हैं, स्तुति आती है तो वो करें। अगर नहीं आती है तो सिर्फ माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उसके बाद माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए इसे अपने दाहिने हाथ में धारण कर लें। आप देखेंगे कि आपके शीघ्र ही धन के द्वार खुलेंगे, आपके अंदर का आत्मविश्वास जागृत होगा। इसके साथ आपकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होने लगेगी। बहुत छोटा सा उपाय है, स्पेशली धनतेरस के दिन किया जाता है। अगर आप कड़ा ऑलरेडी बनवा चुके हैं या फिर दोस्तों आपने पिछले साल उसे प्रयोग किया है तो इस साल धनतेरस के दिन उसे साफ करके उस पर गंगा जल का छिड़काव करें और माता के चरणों में रख दें तथा दीपावली तक वहीं रखे रहने दें और दिवाली से अगले दिन सुबह उठकर इसे पहने। ऐसा करने से शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। शुक्र ग्रह में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो समाप्त होती है, क्योंकि शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं का साधक होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बनती है, कुबेर देवता की कृपा बनती है, साथ ही साथ धन्वंतरी देव की भी कृपा आप पर बनने लगती है। बहुत छोटा सा उपाय है, ये आप जरूर करें। दोस्तों, धनतेरस के दिन अपने घर परिवार के लिए खरीददारी अवश्य ही करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हमें किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई भी उपहार नहीं खरीदना चाहिए। ना आप अपने कुटुंब के व्यक्ति के लिए उपहार खरीदें, ना ही आप अपने रिश्तेदार के लिए उपहार खरीदें। आप सिर्फ और सिर्फ आपके जो घर के सदस्य हैं, जो आपके साथ में रहते हैं, सिर्फ उनके लिए उपहार खरीदें। ये उपहार जो होते हैं धनतेरस वाले दिन खरीदे गए, किसी और को नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है अगर आप धनतेरस वाले दिन किसी और के लिए सामान खरीदते हैं तथा उन्हें गिफ्ट कर देते हैं दिवाली पर, जो अधिकतर लोग करते हैं, तो ऐसा माना जाता है आपका जो भाग्य है वहां से आपकी लक्ष्मी चली जाती है, वो उनके द्वार से चली जाती है।
तो हमें कभी भी गिफ्ट जो होता है धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदना चाहिए। दीपावली पर अगर गिफ्ट करना है तो पहले से ही खरीद लीजिए या फिर बाद में खरीद लीजिए। इसके अलावा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें धनतेरस वाले दिन यम देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। अधिकतर लोगों को पता होगा, परंतु जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम ये बात दोहरा देते हैं कि हम देव की पूजा साल में केवल एक बार ही करते हैं। धनतेरस वाले दिन यम देवता की पूजा घर में अकाल मृत्यु का भय समाप्त करती है। यम देवता की कृपा प्राप्त होती है तो हमारे घर में कभी भी अकाल मृत्यु का सामना हमें नहीं करना पड़ता। तो यम देवता के नाम का आपको एक दीपक जलाना है। वो कैसे जलाएंगे? आप एक दीपक ले लीजिए, नया दीपक लेना होगा 4 बाती का। अब उसे आप रौली और तथा चावल चढ़ाकर अर्पित करें। आप चाहें तो एक सुंदर सी रंगोली भी बना लें अपने घर के मुख्य द्वार पर, यानी जो मेन गेट है आपके घर का। अब मुख्य द्वार के दाहिने ओर ये दीपक रखना है। दिशा आपको घर के अंदर की तरफ से देखनी है और अंदर की तरफ से ही दीपक लगाना है। तथा दोस्तों, जो दीपक की लौ होगी वो दक्षिण दिशा की ओर जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब दीपक को प्रणाम करें। दीपक में आपको कौड़ी और एक सिक्का भी डालना है। यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, साथ ही साथ कभी भी कोई अकाल मृत्यु घर में ना हो। ये जो दीपक है हमें जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो हम पर यम देवता की भी रक्षा होनी चाहिए, ताकि हमारे घर पर कभी भी बुरी स्थितियों का सामना हमें ना करना पड़े। तो स्पेशली सुहागिन महिलाओं से कहूंगी कि इस दिन यम दीपक आप जरूर जलाएं, उनकी कृपा दृष्टि लें ताकि आपके घर पर सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे। अगर हम बहुत सारा आशीर्वाद चाहते हैं, चारों दिशाओं से सुख समृद्धि चाहते हैं, तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए, सभी दिशाओं से सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्मी देवी और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर में जरूर करनी चाहिए। यदि घर में ऑलरेडी मूर्ति है तो उन्हीं की पूजा पाठ आप नए वस्त्र पहनाकर भोग लगाकर अच्छे से करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। खरीदें ये 9 चीजें, होगी धन वर्षा। दोस्तों, धनतेरस के दिन बर्तन, दीपक, झाड़ू, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र, नमक जैसी वस्तुओं की खरीददारी बेहद ही शुभ मानी गई है। इन वस्तुओं के साथ भगवान धनवंतरी हैं, देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने से घर धन धान्य से भरा रहता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 1 पर है बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है, अतः आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, सोने चांदी के बर्तन जरूर खरीदें। नंबर 2, गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों की खरीददारी धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। नंबर 3, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है, अतः धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। नंबर 4, दीपक। दीपावली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन दियो यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है, अतः आप इस दिन दीपक खरीद कर यम देवता को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। नंबर 5, झाड़ू। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को प्राथमिकता दी जाती है। सामान्य रूप से भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन झाड़ू खरीद कर दीपावली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें। नंबर 6, धनिया के बीज। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना भी काफी लाभकारी माना गया है। दीपावली के दिन इन बीजों को पूजा में अर्पित करने के बाद किसी गमले में बो भी सकते हैं। मान्यता है अगर इससे स्वस्थ पौधा उपजता है तो ये काफी शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 7, नमक। नमक इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा।
नंबर 8 आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि देखने को मिलती है। नंबर 9 सोने चांदी के सिक्के। दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है, इसीलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीद कर घर में ला सकते हैं। दोस्तों धनतेरस के दिन जिस वस्तु की खरीददारी की जाती है ऐसा माना जाता है कि उसमें 13 गुना ज्यादा वृद्धि होती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो आप कौन सी छोटी सी चीज खरीद कर लाएं ताकि धनतेरस का पूरा पूरा लाभ आपको मिल सके। तो धनतेरस के दिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये 3 चीजें झाड़ू, नमक और साबुत धनिया अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं। इससे भी आपको वही फल मिलेगा जो महंगी चीज खरीदने से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन नमक लाने से भी घर में धन और सुख शांति आती है। धनतेरस के दिन धनिया की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। तो धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद कर दिवाली वाले दिन उसकी पूजा करें और पूजा स्थान में रखें। अगले दिन किसी लाल कपड़े में बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन धान्य में कभी भी कोई कमी नहीं होती। अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन नहीं है तो क्या 3 चीजें खरीदनी है। इसके साथ मैंने आपको बताया धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन है, पैसे हैं, तो क्या चीजें आप खरीद सकते हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी गलत चीज धनतेरस के दिन खरीद लाते हैं तो ये आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। तो धनतेरस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। अब दोस्तों धनतेरस के दिन शीशे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध राहु से होता है और राहु ग्रह को नीच ग्रह माना जाता है, इसीलिए कांच का सामान खरीदना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन दोस्तों एल्यूमिनियम के भी बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, ये भी आपके लिए अच्छे नहीं होते। इसके साथ साथ धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहे से बनी चीजें घर में लाने पर राहु ग्रह की शुभ छाया आपके ऊपर पड़ जाती है और राहु की नजर पड़ते ही परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो कोशिश करें कि धनतेरस के दिन कोई भी लोहे की चीज आप ना खरीदें। धनतेरस के दिन किचन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे नुकीली वस्तुएं, चाकू आदि भी आपको नहीं खरीदना चाहिए, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। धनतेरस के दिन काले रंग की कोई भी चीज आप ना खरीदें। काला रंग दुर्भाग्य का रंग माना जाता है, इसीलिए इस रंग को खरीदने से आप बचें। अब दोस्तों ये है कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन है, पैसे हैं, तो क्या चीज आपको खरीदनी चाहिए। देखिए दोस्तों धनतेरस के दिन स्वर्ण यानी गोल्ड या चांदी की वस्तुएं खरीदना सबसे उत्तम माना जाता है। आप चाहें तो स्टील और पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं, लेकिन पीतल का बर्तन खरीदना काफी उत्तम माना जाता है। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप चांदी की लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीद सकते हैं, या नहीं तो अष्ट धातु की बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद कर उनकी पूजा करें और दीपावली के दिन इसकी स्थापना और पूजन करें। दक्षिणावृत्ति शंख, कमल गट्टे की माला, स्वस्तिक का माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला भी इस दिन आप खरीद सकते हैं, इसे भी शुभ माना जाता है। अगर आप दक्षिणावृत्ति शंख खरीदते हैं, अगर आप उसको अपने कान के पास ले जाते हैं तो उससे आवाज आती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सही दक्षिणावृत्ति शंख है। अगर आप स्वस्तिक की माला को अपने हाथ में लेते हैं तो ठंडापन महसूस होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्वस्तिक की माला है। दोस्तों धनतेरस के दिन अगर आप पारद या फिर सफ्टिक का श्री यंत्र अपने घर में लाकर के स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी भी काफी शुभ मानी जाती है। इस दिन आप चांदी के बर्तन या सिक्के खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी करने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा में वृद्धि होती है, ऐसी शास्त्र की मान्यता है। धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदारी भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन बर्तन की खरीदारी करते समय पीतल धातु से बना बर्तन ही आप खरीदें तो ये आपके लिए उत्तम होगा। दोस्तों अब समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी
तो उनके साथ में कौड़ी भी आई थी। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीद करके दीपावली के दिन इसकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें, इससे कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी। धनतेरस के दिन गाड़ी काफी संख्या में खरीदी जाती है, तो अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी या फिर कोई भी वाहन दोस्तों खरीदना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप धनतेरस के पहले कर दें, यह आपके लिए अच्छा होगा। आप गाड़ी या कोई वाहन खरीद सकते हैं धनतेरस के दिन। इलेक्ट्रॉनिक चीजों की खरीदारी भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप मोबाइल फोन, लैपटॉप, ओवन, फ्रिज इत्यादि की भी खरीदारी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभ फल देगा। धनतेरस के दिन कपड़ा खरीदना भी शुभ माना जाता है। अगर आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सफेद या लाल रंग का कपड़ा खरीदें। संपत्ति खरीदना भी धनतेरस के दिन काफी शुभ माना जाता है, तो आप चाहें तो घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन मिट्टी का दीपक भी खरीदना शुभ माना जाता है। आप इस दिन मिट्टी का दीपक खरीदें जिसका इस्तेमाल आप दीपावली के दिन दीप जलाने में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी है। धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है, जिससे ऐसी मान्यता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती। तो धनतेरस के दिन आप सिर्फ कुबेर जी की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर जी की पूजा करते हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर जी के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना करें, वरना पूरे साल आप दोस्तों बीमार रहेंगे। वैसे तो दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़ा हुआ है तो आप अपने घर से इन चीजों को निकाल दें। घर में कोई भी पुराना या बेकार सामान पड़ा हो तो उसे आप फेंक दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। घर के मुख्य द्वार के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी न रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें, तो आप कोशिश करें कि किसी को उधार आप ना दें। दोस्तों, धनतेरस के दिन खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचना चाहिए। अगर मूर्ति खंडित है तो नई मूर्ति ले आएं, सोने चांदी या मिट्टी से बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम या हल्दी से बनाएं। नकली प्रतीकों को यानी आजकल बने बनाए आर्टिफिशियल स्वास्तिक और ओम आते हैं, वो घर में दोस्तों ना लाएं। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोने से बचें, ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल भी कलह ना करें, कलेश ना करें, चिकचिक ना करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से भी दूर रहें तो ये दोस्तों आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ इस दिन धनतेरस के दिन करें अन्न का दान। दोस्तों, धनतेरस के दिन अन्न का दान करना सबसे शुभ माना जाता है, इससे पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अनाज का दान करने से भंडार कभी भी खाली नहीं रहते। इस दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं और उसे दक्षिणा देकर के विदा करें। धनतेरस के दिन करें लोहे का दान। धनतेरस के दिन लोहा दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, और लोहे को शनि देव की धातु कहा जाता है। इस दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। धनतेरस के दिन करें मिठाई का दान। धनतेरस के दिन मिठाई का दान करने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। दोस्तों, धनतेरस को साल के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। धनतेरस के दिन आपको विशेष रूप से धन के देवता कुबेर, सुख समृद्धि और वैभव की देवी माता लक्ष्मी तथा देवों के वैद्य धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी से आपको धन, संपदा, समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है। भगवान धन्वंतरी आपको रोग मुक्त जीवन प्रदान करते हैं तथा कुबेर आपके धन की रक्षा करते हैं।
कई लोग इस दिन आभूषण और घर का सामान खरीदते हैं। मान्यता है इससे सुख समृद्धि आती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या खरीदना शुभ होता है जिससे घर में धन की बढ़ोतरी सदैव होती रहे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है झाड़ू। दोस्तों धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की प्राचीन परंपरा है। पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। और ध्यान रखें कि जब भी आप घर में झाड़ू लाएं तो उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें, इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव बनी रहेंगी। दूसरी चीज है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। दोस्तों धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य खरीदें, इसे शुभ माना जाता है। आप गणेश लक्ष्मी की मिट्टी या फिर सोने चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो, ऐसी मूर्ति शुभ होती है। तीसरी चीज है गोमती चक्र। दोस्तों गोमती चक्र 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में खरीदना शुभ होता है। ये विष्णु जी के चक्र का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन गोमती चक्र अपने घर जरूर लाएं और दिवाली की पूजा करके इसे अपनी तिजोरी या गले में रख दें या फिर आप गले में धारण करें। अब दोस्तों चौथी चीज धातु का सामान। दोस्तों धातु जैसे सोना चांदी पीतल इत्यादि, इस दिन सोना चांदी खरीदने से भाग्योदय होता है। धातु से बने बर्तन और गहने खरीदने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन धातु का सामान लाने से घर में सदैव लक्ष्मी का निवास रहता है। अब दोस्तों पांचवी चीज है मिट्टी का दीपक। तो दोस्तों दिवाली रोशनी का त्योहार है और दीपक के बिना दिवाली अधूरी होती है। ऐसे में आप धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक जरूर खरीदें। और छठवीं चीज साबुत धनिया। दोस्तों धनतेरस के दिन साबुत धनिया अवश्य खरीदें, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिये का प्रयोग किया जाता है और लक्ष्मी पूजन के बाद आप इस धनिये को उठाकर अपने घर के गमले में डाल दें। सातवीं चीज है रुद्राक्ष। दोस्तों धनतेरस के दिन रुद्राक्ष जरूर खरीदें, इससे आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और पूजा के बाद इसे अपने गले में धारण करें। अब आठवीं चीज है हल्दी की गांठ। दोस्तों धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ भी जरूर खरीदें और इसे माँ लक्ष्मी के पूजन में प्रयोग करें। इसके बाद आप किसी पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखें, इससे बरकत हमेशा बनी रहेगी। नौवीं चीज है नमक। दोस्तों धनतेरस के दिन नमक का पैकेट जरूर खरीदें और इसे दिवाली के दिन इस्तेमाल भी करें। माना जाता है कि नमक का पैकेट घर लाने से धन की कमी कभी भी नहीं होती और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही दिवाली के दिन इसी नमक के पानी का पोछा लगाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों दसवीं चीज है कमलगट्टा। तो दोस्तों धनतेरस के दिन कमलगट्टा जरूर लाएं। ये कमल के फूल का बीज होता है, इससे माला बनाई जाती है और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप कम से कम 7 कमलगट्टा जरूर घर लाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा में शामिल करें। अब 11वीं चीज है कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर। दोस्तों धनतेरस के दिन कुबेर जी की मूर्ति या फोटो घर जरूर लाएं और उसकी पूजा करें। पूजा के बाद इसे धन स्थान पर या अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित कर दें, इससे धन के देवता की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी और आपका घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। अब दोस्तों 12वीं चीज है कौड़ी। तो दोस्तों कौड़ी 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में घर लाएं, इसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है जिस घर में कौड़ी होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, इसीलिए धनतेरस के दिन घर में कौड़ी जरूर लाएं और दिवाली में पूजा करके फिर से लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें, इससे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये वो चीजें हैं जिन्हें धनतेरस के दिन घर लाने से धन की कमी का भाव नहीं रहेगा और माँ लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों धनतेरस और दिवाली का दिन साफ सफाई का होता है। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है
इस दिन आपको घर के अंदर कूड़ा या रद्दी नहीं रखनी चाहिए। कूड़ा तथा रद्दी से घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो आपके सुख समृद्धि में बाधक होती है। ऐसे में कूड़ा तथा रद्दी को घर से बाहर निकाल दें। साफ सफाई से घर में सकारात्मकता तथा शुभता बढ़ती है, परिजन भी स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, लोगों में ऐसी मान्यता है कि धनतेरस और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए इस दिन किसी को रुपए उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। धनतेरस और दिवाली पर घर का मुख्य द्वार भी साफ होना चाहिए। वहाँ पर भूल वश भी जूता चप्पल आदि ना रखें। वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और ना ही आने जाने में कोई अवरोध हो। ऐसी लोक मान्यता है कि देवी लक्ष्मी मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं। गंदगी और रुकावट अच्छी नहीं है। वास्तु शास्त्र में भी घर के मुख्य द्वार को महत्वपूर्ण माना गया है, उसे अवरोध मुक्त रखने का सुझाव दिया जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी देव कैसे प्रकटे। पौराणिक कथा के अनुसार धन्वंतरी देव को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये भगवान विष्णु के बारहवें अवतार हैं। इतना ही नहीं, धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार धन्वंतरी भगवान का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। इस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इतना ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी कई ग्रंथों के रचयिता भी हैं। तो दोस्तों, धनतेरस महापर्व दीपावली की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करता है। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घर के लिए नया सामान जोड़ते हैं। मान्यताओं और वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिन खरीदा गया सामान कभी भी खराब नहीं होता और बेहद ही शुभ होता है। फिर भी धनतेरस के दिन कुछ चीजों को घर में जरूर खरीद कर लाना चाहिए। वहीं दोस्तों, मान्यताओं और वास्तु शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो वस्तुएं। नंबर एक, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीजें घर ले आते हैं। बता दें कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता, इसीलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर ना लेकर आए। नंबर दो, नुकीली या धारदार चीजें। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं खरीदने से बचें। इस दिन चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई भी धारदार सामान खरीदने से सख्त परहेज करना चाहिए। नंबर तीन, स्टील से बनी चीजें। धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, जबकि दोस्तों इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं की ही खरीदारी करनी चाहिए। मानव निर्मित धातु से केवल पीतल खरीदा जा सकता है। नंबर चार, एल्यूमिनियम का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान भी खरीद लेते हैं। इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज घर में लाने से बचना चाहिए। नंबर पाँच, लोहे की वस्तुएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है, इसीलिए लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर भूलकर भी खरीदने की गलती ना करें। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, नंबर छह, इसके बाद वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप धनतेरस के दिन नुकीली चीजें या कैंची या चाकू जैसी धारदार चीजें कभी भी ना खरीदें। अगर आप इन चीजों को अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो दोस्तों आपके घर में गरीबी आ जाएगी और आप भयंकर गरीबी का सामना करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने धनतेरस के बारे में काफी कुछ जाना। इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको हमारी आज की ये दी गई जानकारी पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को जल्दी से जाके एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।